देविका वैद्य भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर यानी हरपन मौला की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने नवंबर 2014 से भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम देविका प्रणेंदु वैद्य है और इनका जन्म 13 अगस्त 1997 पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता का नाम बघेल सिंह देवल और इनकी मां का नाम चरणजीत कौर देवल है और इनका एक भाई है जिनका नाम डॉक्टर मनजोत सिंह देवल है और वर्तमान में इनका गृह निवास है पुणे महाराष्ट्र और हाल ही में देविका की एंगेजमेंट भी हो चुकी है। देविका वैद्य बाएं हाथ की बैटर और दाएं हाथ की लेग ब्रेक गूगली बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक ऑलराउंडर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 7। देविका वैद्य की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 49। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 30 नवंबर 2014 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 118। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 16 नवंबर 2016 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला और टेस्ट मैच में इनका अभी डेब्यू करना बाकी है। वहीं देविका वैद्य डोमेस्टिक लेवल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में महाराष्ट्र टीम से और यूपी वॉरियर्स टीम से खेली और खेलती हैं, जिन्हें WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग के 2023 के फर्स्ट एडिशन में इन्हें 1.40 करोड़ रुपए में यूपी वॉरियर टीम ने अपनी टीम में चुना और 5 मार्च 2023 को गुजरात जायंट्स के खिलाफ अपना WPL डेब्यू किया जिसमें इन्होंने 4 रन बनाए थे। देविका वैद्य ने 7 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और एक अच्छी क्रिकेटर बनना चाहती थी और साथ में इनके पास टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट भी है। इन्होंने पुणे में अपने भाई और इनके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया और इनके पिता ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें क्रिकेट एकेडमी में खेलने के लिए भेजा, जहां इन्होंने क्रिकेट की बारीकियों को समझा और एक ऑलराउंडर प्लेयर के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाई। अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत 2010 में महाराष्ट्र की घरेलू टीम में देविका वैद्य ने अपने डोमेस्टिक करियर की शुरुआत की और 2014-15 के लिए बेस्ट वुमेन जूनियर क्रिकेटर के तौर पर इन्हें MA चिदंबरम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। डोमेस्टिक में अच्छे प्रदर्शन के बाद देविका वैद्य को 2014 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टीम में चुना गया और 30 नवंबर 2014 को बेंगलुरु में अपनी T20I की शुरुआत की और नवंबर 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने वनडे करियर की भी शुरुआत की, जिसके बाद देविका वैद्य को वेस्टइंडीज में 2018 T20 वर्ल्ड कप के लिए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2022-23 T20 सीरीज के लिए और जुलाई 2023 में बांग्लादेश के साथ वनडे और T20I सीरीज के लिए बांग्लादेश दौरे के लिए भी इन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया। दोस्तों, हालांकि इन्हें अभी इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को और बेहतर खिलाड़ी के रूप में साबित करने की ज़रूरत है, तो हम देविका वैद्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये इससे भी और अच्छा क्रिकेट खेलें और अपना देश और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।